साबिक कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर असीर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह के खिलाफ एहतसाब अदालत ने आमदन से ज्यादा सासाजात केस की समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी करते हुए नैब से मुलजिमान के खिलाफ सबूत तलब कर लिए। कौमी एहतसाब ब्यूरो सखर की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद असासे बनाने के इल्जाम में दायर रेफरेंस की एहतसाब अदालत में समाअत हुई। खुर्शीद शाह को एम्बुलेंस के जरिए लाया गया जबकि इनकी बेगमात साहबजादे और दामाद भी अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान नए प्रोसिक्यूटर और खुर्शीद शाह के वकला ने अपने अपने मुख्तसर दलाइल दिए। अदालत ने नैब की जानिब से तैयार किए गए रेफरेंस का जायजा लिया और नैब को आइंदा समाअत पर मुलजिमान पर लगाए गए इल्जामात के सबूत पेश करने का हुक्म देते हुए रेफरेंस की समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी। गुज़िश्ता रोज सिंध हाईकोर्ट ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की जमानत पर रिहाई का हुक्म 16 जनवरी तक मुअत्तल कर दिया था। एहतसाब अदालत ने 17 दिसम्बर को खुर्शीद शाह की 50 लाख रुपए के मुचलकों के इर्ज जमानत मंजूर की थी।